लक्सर में जेके टायर फैक्ट्री से बर्खास्त किए गए श्रमिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष पंकज कुमार और श्रमिक संदीप कुमार और ओम दत्ता शर्मा ने अपनी बहाली के मामले में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। इस दौरान श्रमिक कल्याण संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि करीब 2 माह पहले फैक्ट्री में श्रमिकों के बीच आपसी विवाद हो गया था, जिसमें फैक्ट्री प्रबंधन ने 13 श्रमिकों को सस्पेंड और 3 श्रमिकों को बर्खास्त किया था। इस मामले में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ने फैक्ट्री प्रबंधन और प्रशासन से वार्ता कर सभी श्रमिकों को बहाल करने की बात कही थी, जिसके बाद फैक्ट्री प्रबंधन ने सस्पेंड किए 13 श्रमिकों को तो बहाल कर दिया, लेकिन 3 श्रमिकों को बहाल नहीं किया। इस पर बर्खास्त किए गए पंकज कुमार ने कहा कि उक्त जनप्रतिनिधि अब इस मामले में उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। इस बावजूद वे पूर्व विधायक कुमार प्रणव चैंपियन के माध्यम से मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। वे दूसरे बर्खास्त श्रमिक ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन की कार्रवाई से वे बेरोजगार हो गए हैं, जिससे उनके परिवारों के सामने भारी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। यह है कि हमारी 2 महीने पहले जेके टायर कंपनी में आपस में श्रमिकों में एक विवाद हो गया था, जिसमें हमें 16 लोगों को बर्खास्त और 3 लोगों को टर्मिनेट कर दिया था। तो उसमें हम उमेश कुमार जी के पास गए थे, उनका हमें किसी न किसी का सहारा चाहिए था, शासन प्रशासन का उसमें दखल था। इस वजह से तो हमें 2 महीने पहले हम 1/5 को DM के यहाँ हमारी वार्ता हुई थी, जिसमें हमें शर्मा जी भी थे और DM जी भी थे। उसमें हमें तो हम अपनी जान वहीं दे देंगे, और हम कुंवर प्रणव सिंह चैंपियनशिप से मांग करते हैं और मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी अंदर कर आ जाए। अगर इस बीच हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो उसके लिए जो भी कुछ होगा उसके लिए स्वयं शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अंदर लेने का मतलब क्या, आपको बहाल किया जाए? हाँ जी, अंदर हमें यानी कि बहाल किया जाए, हमें ड्यूटी पे रखा जाए, हमारा ज्वाइन करवाया जाए। ये मांग आपने किससे की? हम शर्मा जी से।